क्या आप गौतम गंभीर टीम इंडिया का अगला हेड कोच बनकर के टीम इंडिया का कमान संभालेंगे? जी हाँ, सूत्रों के हवाले से अब बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अगले हेड कोच बनने के लिए गौतम गंभीर को प्रपोजल भेजा है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का हेड कोच बदला जाना है, जिसमें राहुल द्रविड़ के जगह पर एक नए कोच को लाना है, जिसके लिए अभी तलाश जारी है। लेकिन बीसीसीआई के रडार पर दो नाम सामने आ रहा है। सबसे पहला नाम गौतम गंभीर। जी हाँ, वही गौतम गंभीर जो टीम इंडिया को दो बार वर्ल्ड चैंपियन बना चुकी है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताई और बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। वहीं ODI 2011 में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके अहम भूमिका निभाई थी वर्ल्ड कप जिताने में, जिसके वजह से टीम इंडिया दो बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है गौतम गंभीर के वजह से। वहीं जस्टिन फ्लेमिंग जो चेन्नई सुपर किंग को 5 बार चैंपियन बना चुकी है IPL में, जी हाँ, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन क्या गौतम गंभीर BCCI का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे और टीम इंडिया का कमान संभालेंगे? जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया टीम के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि वही गौतम गंभीर है जो कलकत्ता नाइट राइडर्स को भी 2 बार बतौर कप्तान चैंपियन बना चुकी है और उन्हें एक एग्रेसिव कैप्टन के रूप में देखा जाता है, एग्रेसिव प्लेयर्स के रूप में देखा जाता है, जो जब भी अगर खेलते हैं, मैदान पर रहते हैं, तो जीत के मतलब भूखे होते हैं। तो उनके अंदर वो काबिलियत है, चाहे वो बल्लेबाजी से हो, चाहे वो कैप्टेंसी से हो, चाहे कोच के रूप में।